नमस्कार साथियों, आप सभी का सिविल सर्विसेज टीम पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम 2023 का जीएस का सेकेंड पेपर। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने निबंध वाला पेपर देखा था और जीएस का फर्स्ट पेपर देखा था। ठीक है, तो जीएस के इस सेकेंड पेपर में जो आपको पढ़ना होता है, जो यूपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है उसमें आपके जो टॉपिक्स हैं वो है, एक तो पॉलिटी है, गवर्नेंस है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, इसके अलावा सोशल जस्टिस है, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, तो ये मेजर टॉपिक हैं। वैसे तो बहुत डिटेल में सिलेबस दिया गया है, वो आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें किस पोर्शन से, किस टॉपिक से, कौन कौन से, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, कैसा पेपर है। ठीक है, जो नए लोग हैं वो थोड़ा सा उनको बता दें कि 3 घंटे का पेपर होता है। सारे जीएस के पेपर 3-3 घंटे के होते हैं और 250-250 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि जीएस के फर्स्ट पेपर में 20 क्वेश्चन थे, उसी प्रकार से जीएस के सेकेंड पेपर में भी टोटल 20 क्वेश्चन हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन हैं वो सब 10-10 नंबर के हैं और 150 शब्दों में उनको लिखना, उनके वर्ड लिमिट 150 शब्दों में है, 150 वर्ड्स में आपको उसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो 100 नंबर के हो गए 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 15-15 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो 150 नंबर के हो गए, और ये जो होंगे 15 मार्क्स वाले, ये आप इनकी वर्ड लिमिट 250 वर्ड है, 250 शब्दों में आपको इनका आंसर लिखना है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पेपर छपा होगा, सारे क्वेश्चन करने हैं, 20 के 20 आपको कंपलसरी करने हैं। ठीक है, ये पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है हमारे टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आप इस पेपर को देख लीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अभी हम ये भी देखते चलेंगे कि पॉलिटी से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, सोशल जस्टिस से, गवर्नेंस से और आईआर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आप जब प्रिपरेशन करें इसके बारे में तो आप उस टॉपिक को उतना समय देना ज़रूरी है। ठीक है, तो जीएस का सेकंड पेपर और थर्ड पेपर ये बहुत ही डायनेमिक होते हैं, करंट अफेयर्स को जोड़ के क्वेश्चन बनाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन तो होता ही है, उसके अलावा आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहना चाहिए, जैसे न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जीएस का जो यहाँ पे जो फर्स्ट पेपर है, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन हैं ये सारे। यहाँ पूछा गया, संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता, ठीक है, न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है, इस पर आपको कमेंट लिखना है, यानी टिप्पणी करनी है। ठीक है, तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हम लिखते चलेंगे, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, लक्ष्मीकांत, अगर एम लक्ष्मीकांत आप पढ़ रहे होंगे तो वो सफिशियंट है स्टैटिक पोर्शन के लिए, जहाँ भी आगे ज़रूरत होगा तो करंट अफेयर्स, वो तो करंट अफेयर्स तो आप पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन है? निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, यानी जो नालसा है ना, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, वही राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, उसकी भूमिका का आकलन कीजिए, मतलब उसकी भूमिका क्या है निःशुल्क कानूनी सहायता देने में। ठीक है, तो वो लिखना है आपको 10 नंबर में। तो ये भी जो है पॉलिटी का ही क्वेश्चन है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक एवं वित्तीय दोनों ही रूप से सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होते हैं, यानी उनकी इच्छा नहीं होती है, तो इस पर कमेंट आपको लिखना है। ठीक है, तो ये स्थानीय शहरी निकायों से संबंधित पूछ दिया गया, ये भी पॉलिटी का ही क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन पॉलिटी। इसके बाद अगला है, संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश एवं भारतीय दृष्टिकोणों की तुलना करें, तो तुलना करने के क्वेश्चन अक्सर आपने देखे होंगे लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखते रहिए, सॉल्व पेपर ले लीजिए मेंस का। ठीक है, उसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा, इस तरीके से रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन। तो संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश और भारतीय दृष्टिकोणों की तुलना करें एवं अंतर बताएं, तो दोनों ही करना, ये भी पॉलिटी का ही क्वेश्चन है, ये तो लक्ष्मीकांत से ही आप कर सकते हो उसको। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने में और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाने में राज्य विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका, उनका रोल क्या है, उसकी विवेचना करनी है। ठीक है, विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने में और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाने में। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा सा स्टेटमेंट है, इसको समझ के तब आपको लिखना है, ये भी पॉलिटी का ही क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास
पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत की विकास प्रक्रिया का एक कठोर पक्ष रहा है। ऐसे उपाय सुझाइए जो इस अपर्याप्तता को दूर कर सकें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत की विकास प्रक्रिया का एक कठोर पक्ष रहा है। ठीक है, तो उपाय बताने हैं आपको जो इस कमी को दूर कर सकें। ठीक है जी, तो जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल जस्टिस, गवर्नेंस सब कुछ आपके सिलेबस में है, तो उसी से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ठीक है, हाल के निर्णयों का संदर्भ लें। ठीक है, तो 10 नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, रोल बताना है भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका का। ठीक है, तो गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद है, अभिशासन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई शासन, ई गवर्नेंस पर क्वेश्चन पूछा गया है। ई शासन ने सरकारों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेहता का आगाज कर दिया है। कौन सी अपर्याप्तताएं इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा बनती हैं? ठीक है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, ई गवर्नेंस है। ठीक है, गवर्नेंस का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट में मैं आपको, मैंने नोट डाउन कर लिया है एक जगह, मैं आपको सब लास्ट में बता दूंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संघर्ष का विषाणु SCO जो शंघाई सहयोग संगठन है के कामकाज को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो इस उपरोक्त कथन के आलोक में समस्याओं को कम करने में भारत की भूमिका बताइए। ठीक है, तो ये शंघाई सहयोग संगठन से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसके बाद है, भारतीय प्रवासियों ने, क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 9, तो ये IR का था क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा किस कितने IR से थे, कितने पॉलिटी से, कितने सोशल जस्टिस से। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय प्रवासियों ने पश्चिम में नई ऊंचाइयों को छुआ है, भारत के लिए इसके आर्थिक और राजनीतिक लाभों का वर्णन करें। तो आर्थिक लाभ क्या है भारत के इसके लिए और राजनीतिक लाभ क्या है? तो भारतीय प्रवासी बहुत सारे कुछ लोगों के आप नाम जानते होंगे, जैसे ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ऐसे ही, तो उसके आर्थिक लाभ क्या है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बेनिफिट्स क्या हैं इंडिया के लिए, वो आपको डिस्क्राइब करने हैं। तो ये 10 10 नंबर वाले क्वेश्चन थे, ये भी IR का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, भारत का संविधान, ये 15 15 मार्क्स वाले हैं, 11 से 20 तक। तो भारत का संविधान अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है, यह प्रगतिशील समाज के लिए बनाया गया एक संविधान है। जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार की विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है आपका, ये भी पॉलिटी का है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। इसके बाद है, प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की मदद से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी पॉलिटी का ही है। ठीक है, तो देखो पॉलिटी से मतलब मेन जो ज़्यादातर क्वेश्चन पॉलिटी के ही आपको इसमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, संघीय सरकारों द्वारा 1990 के दशक के मध्य से अनुच्छेद 356 के उपयोग की कम आवृत्ति के लिए जिम्मेदार विधिक एवं राजनीतिक कारकों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पॉलिटी से ही पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधायिकाओं में महिलाओं की प्रभावी एवं सार्थक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के लिए नागरिक समाज समूहों के योगदान पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये भी पॉलिटी से ही क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम का महत्व समझाइए। ठीक है, यह किस हद तक संघवाद के समावेशी भावना को दर्शाता है? ठीक है, तो ये संविधान संशोधन अधिनियम पूछ दिया गया है पॉलिटी से क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संसदीय समिति प्रणाली की संरचना को समझाइए। संसदीय समिति प्रणाली की संरचना, भारतीय संसद के संस्थानीकरण में वित्तीय समितियों ने कहाँ तक मदद की है? तो ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो पॉलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है, वंचितों के विकास, ये वंचितों के विकास यहीं से आप समझ सकते हो, ये सोशल जस्टिस का क्वेश्चन है। वंचितों के विकास और कल्याण की योजनाएं अपनी प्रकृति से ही दृष्टिकोण में भेदभाव करने वाली होती हैं, क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। ठीक है, तो ये सोशल जस्टिस का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का। देखो लेंदी क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन नंबर 2 जो GS का पेपर 2 और पेपर 3, ये दोनों ही पेपर बहुत लेंदी होते हैं। ठीक है, मतलब एज़ कम्पेयर टू पेपर 1 एंड 4। इसके बाद पूछा गया, विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधनों की आपूर्ति में वृद्धि करने में कौशल विकास कार्यक्रमों ने सफलता अर्जित की है। ठीक है, इस कथन के संदर्भ में शिक्षा, कौशल और रोजगार के मध्य संयोजन का विश्लेषण कीजिए।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद है नाटो का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण और एक मजबूत अमेरिका यूरोप रणनीतिक साझेदारी भारत के लिए अच्छा काम करती है, इस कथन के बारे में आपकी क्या राय है? अपने उत्तर के समर्थन में कारण और उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो ये 19 क्वेश्चन नंबर 19 है, ये आईआर का है, इंटरनेशनल रिलेशन का। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, समुद्र ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण घटक है, उपरोक्त कथन के आलोक में पर्यावरण रक्षण यानी पर्यावरण की रक्षा और एवं समुद्री संरक्षा एवं सुरक्षा को बढ़ाने में आईएमओ जो इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की भूमिका पर चर्चा करें। ठीक है, तो ये भी आईआर से ही क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, और चलिए अब देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए हैं। देखिए, पॉलिटी से एक तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे, इसमें हमने देखा था कि कुछ क्वेश्चन जो थे वो 10 मार्क्स के थे, सॉरी 10 मार्क्स के कितने क्वेश्चन थे, 10 मार्क्स में पॉलिटी के आपके 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, और सोशल जस्टिस और गवर्नेंस को मिला के 3 क्वेश्चन थे, आईआर के 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन ये हो गए, 15 मार्क्स के आपके पॉलिटी के 15 मार्क्स में आपके थे 15 मार्क्स में पॉलिटी के क्वेश्चन थे 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, और सोशल जस्टिस के 2 क्वेश्चन थे, सोशल जस्टिस आईआर के क्वेश्चन भी 2 थे। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो आप 5 क्वेश्चन ये, तो 50 नंबर की पॉलिटी यहाँ से हो गई 50 मार्क्स की, 30 नंबर के ये हो गया और 20 मार्क्स का यहाँ पर हो गया। ठीक है, और ये 30 मार्क्स का आईआर हो गया, ये 30 मार्क्स का हो गया और ये 90 मार्क्स का हो गया। तो पॉलिटी जो आपकी पूछी गई है टोटल इस पेपर में वो 140 मार्क्स की पूछी गई है। ठीक है, 140 मार्क्स की पॉलिटी पूछी गई है, सोशल जस्टिस और गवर्नेंस को मिला के 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आईआर का जो है वो 50 मार्क्स के पूछे गए हैं, टोटल क्वेश्चन पेपर 250 मार्क्स का है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि इससे आपको कुछ हेल्प मिली होगी, और ये क्वेश्चन पेपर अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जीएस का थर्ड पेपर देखेंगे और फोर्थ पेपर देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।